प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने रायगढ़ जिले के इरसालवाड़ी का दौरा किया, स्थिति का निरीक्षण किया और दुर्घटना के बारे में जानने के लिए स्थानीय लोगों से बातचीत की। नाना पटोले ने घटना में जीवित बचे लोगों का समर्थन किया। पटोले ने कहा कि सरकार को तुरंत लोगों का पुनर्वास करना चाहिए और ये सुनिश्चित करने की व्यवस्था करनी चाहिए कि सभी प्रकार के दैनिक आवश्यकताएं उन तक पहुंचे। इरसालवाड़ी की घटना बेहद दुखद है। अगर इन लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया होता तो कोई हाथाहाथ नहीं होता, लेकिन सरकार ने समय पर कार्रवाई नहीं की। यदि पिछले 3-4 दिनों से भारी बारिश की चेतावनी दी जा रही थी तो खतरनाक भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया होता तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। अब भी सरकार को तेजी से आगे बढ़कर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि लोगों को हर तरह की मदद मिले। नाना पटोले के साथ प्रदेश कांग्रेस महासचिव प्रमोद मोरे, पनवेल जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुदास पाटिल, नवी मुंबई जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कौशिक, रायगढ़ युवा कांग्रेस अध्यक्ष हेमराज महात्रे भी मौजूद थे। एकटा झोपलो होतो रूम मध्ये, भीती बोलतो म्हणजे आज आज कशी काय आली। तो उठून भावाकडे धावत गेलो, भाऊनी वहिनी झोपले होते आणि त्याचा मुलगा झोपलो होतं। तर आमच्या खालच्या बाजूला एक चुलत भाऊ तो ओरडायला लागला, माझ्या मोठ्या भावाला हाक मारायला लागला, गणपत बोलतो ओरडा बोलतो, दगडी पडायला लागल्यात, पळा पळा बोलतो, सगळी लोक बोलतो गाडली गेली वाटते। आता अंधार भरपूर असल्यामुळे दुःख पण भरपूर होते, दुःख भरपूर। आमची काही पोर गेली, भरपूर प्रयत्न करत होते पण असे ढोपर ढोपर चिकलले येऊन बसले होते, आम्हाला पण जायला शक्य नाही। शेवटी आमच्या मेवण्याने आमच्या चुलत भावाला दोघा तिघांना ओढून काढलं घरातनं, आणि त्यांची बारीक बारीक 2-3 वर्षाची मुलं होती, कशी तरी ओढून काढली चिखलात ना। 2 वर्षाचा मुलगा आणि 6 वर्षाची मुलगी आणि भावाला कसा तरी एवढा एवढा बुडला होता, त्याचा कसा तरी खेचून काढला मेवण्याने, निघाला तो शेपायचा थोडाफार लागला त्याच्या, बाकीचे गाव पहिलेच दबून गेलं, बाकीचे गाव दबून गेले, तेवढे तेवढे ते गेले, पण ते सुद्धा आमचेच लोक होती। 17 जास्त जास्त घर डिघरात गेली, 40 घर होती ना, 40-45 घर होती। आमची फक्त 5-6 घर फक्त राहिली, बाकी सगळे काय करायला, एक मुलगा राहिला, एक मुलगा राहिला म्हणजे त्यांची आई ओढली गेली, म्हणजे आमच्या ते पण आपण सगळी आदिवासी कम्युनिटी हो, सगळे आमच्या आदिवासी ठाकूर। NBC News के लिए राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।